Z900 होके स्प्लेंडर की तरह चला रहे क्या? वेलकम टू गोवा, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से पूरा घाट सेक्शन का। कर रहे हो कुछ? Alright guys, very good morning. Welcome back to my channel. So, आज है basically 7 दिसंबर और हम लोग फाइनली बाइकर्स की तीर्थ यात्रा पे निकल चुके हैं, माने कि अपना इंडिया बाइक वीक 2023। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:48, 5 बजने वाला है। यहाँ पे देखो मस्त सी प्रॉपर्टी है, बेसिकली आई स्टे नियर मानेदा टेक पार्क। और यहाँ से हम लोगों को ज्वाइन करना है आगे वाला स्ट्रेट रोड, बाकी साथी अपने आ रहे हैं इधर कल्याण नगर साइड से और वो लोग भी पहुंचेंगे। तो आज के ग्रुप में हम लोगों के पास में 4 850 है, BMW 850 GSA एंड 4 टाइगर हैं, ट्रायम्फ टाइगर, और साथ में पुलक की Z900 होगी। उसको भी बोला था ADV लाने के लिए बट वो लेके नहीं आया। बट एनीवेज सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोग ये जो आप लोगों को टावर दिख रहा है ना चमकीला सा, इसके आगे वेट करेंगे बाकी साथियों का, देन उसके बाद में आगे निकलेंगे। ब्लॉग ज़्यादा अभी शूट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, GoPro में इतना कैप्चर अच्छा नहीं हो पाता है कि रात में कुछ शूट करके दिखा पाएँ। भाई साहब, मतलब आज के दिन ना सब IBW के लिए निकल रहे हैं, मस्त एकदम मज़ेदार वाली फीलिंग है। मतलब हर कोई ना रेडी होके एकदम मस्त एक ही डेस्टिनेशन पे जाता है, वहाँ जाके जो चिल मारते ना 2 दिन के लिए, मस्त मज़ा आता है। स्पेशली दिसंबर के टाइम में होता है ना तो और अच्छा लगता है, क्योंकि गोवा में ना अलग ही वाइब होती है दिसंबर के टाइम पर। तो ये चीज़ ना बहुत मिस की, मतलब पूरा 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। एंड लास्ट टाइम मैंने ना एक विश की थी कि भाई मैं अगली बार अपना ना कोई एडवेंचर बाइक में जाऊंगा, एंड उसके बाद में मैंने देखना शुरू किया था दिसंबर में। एंड देन JS पाजी की हेल्प से मेरे को यहाँ पे जो BMW चंडीगढ़ है वहाँ से मेरे को 850 GSA मिल गई थी। तो बहुत ही अच्छा है यार, मतलब इस बार अपन लोग फाइनली अपनी बाइक के साथ में जा रहे हैं। एंड लास्ट टाइम जो था, मैंने वैसे क्योंकि वाइफ के साथ में ट्रैवल किया था, तो मैं, बुलू भाई उनकी वाइफ और मेरी वाइफ, हम लोग गए थे कार से। इस बार मस्त है, बाइक से जा रहे हैं, तो बाइकर्स फेस्टिवल में ना जाने का बाइक से ही मजा है। भाई साहब ये देखो, मतलब ये पूरा सा कोई सा ग्रुप जा रहा है। लविश, वी हैव टू वेट नियर टू द एग्जिट। हाँ, नाइस रोड एग्जिट। ये देखो भाई साहब भीड़। लंबे लाइन से बाइकर चल रहे हैं सारे, मज़ा आ रहा है देख के। तो अभी जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं ना, पूरा ठंडा पड़ते जा रहा है, इसलिए पहले से ही हुडी पहन ली तुम्हारे भाई ने, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब अभी यहाँ पे इधर से पता नहीं लग रहा, बैंगलोर में वैसे भी ठंडा रहता है स्पेशली बिकॉज यहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है। अंदर साइड में बैंगलोर में उतना नहीं पता लगता, उधर भी ठंडा रहता है, बट यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में जाके और ज़्यादा हो जाता है। नेपाल से जब से आया ना भाई, पूरा माइनस प्लस का टेम्परेचर के चक्कर में थोड़ा सा तबीयत डाउन था, एंड ऊपर से ऑफिस के चक्कर में ना कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। तो एनीवेज ऑफिस का बात है बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिल वाला वाइब्स ऑन करेंगे। अपनी राइड दोबारा शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हम लोगों के साथ में पुलक है और पुलक का फ्रेंड है डुकाटी। ये तो पहुँचते पहुँचते दुखा देगी, दुखाती है, मतलब हाँ साहब इतना कमिटेड पोस्चर रहता है ना, उसके चक्कर में मेरे को तो मतलब आदत नहीं रहा, अब एडवेंचर का आदत हो गया है। बट लाइफ में एक और बार दोबारा से इनलाइन 4 लेंगे, कुछ रीजंस थे उसकी वजह से मेरे को Z800 अपना बेचना पड़ गया था। बट अभी देखेंगे, थोड़ा टाइम रुक के जब थोड़ा सा उम्र घटने लगेगा एंड लगेगा कि चल ठीक है 100-200 से ज़्यादा नहीं जाना है, तब उसके बाद में खरीद लेंगे। अभी ना छोटा छोटा एडवांटेज ना बाइक का ये दिखता है, देखो अभी इसमें क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया, 122 पे मस्त एकदम जा रही है। अनटिल अनलेस कोई आगे आता नहीं है तब तक कोई टेंशन नहीं है, बट अदरवाइज ये आप थोड़ा सा बॉडी वेट से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आराम से मैं थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करूँगा राइट साइड में तो लेन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से नॉट सेफ टू हैंडल लाइक दिस, बट जस्ट एडवांटेज बता रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल का, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं।
का पुलक आ गया है। क्या बे Z900 होके स्प्लेंडर की तरह चला रहे क्या? मैं कह रहा हूँ लेके मंगा रहे हैं। 195 पे दौड़ा है। 180 किया मैंने बस। सही मजेदार। अभी आई गेस हो गया होगा 200 किलोमीटर में। हो गया। वो बोल रहा है कोई टोल गेट पे रुको यार। ओ भाई टोल पड़ेगा तब ना। टोल ही नहीं पड़ रहा अभी, ये जाके पड़ा टोल। तो अभी फिलहाल के लिए सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे चाय वाय एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा सुसु ब्रेक लेंगे, उसके बाद में निकलेंगे, है ना। तो भाई लोग अभी हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखो पुल्लक ने एक प्लेट निपटा दी है, दो दो तीन तीन राउंड बजेंगे यहाँ पे खाने के। अभी पूरा इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा है ना, काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल करते हुए। हम लोगों ने सोचा था कि पहले मतलब थोड़ा सा लंबा खींच के आगे आ जाएंगे, देन उसके बाद में हम लोगों को कुछ रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली। मतलब 100 किलोमीटर के बाद में टोल आ रहा है, टोल के आसपास में कुछ खाने के लिए था नहीं। तो ये वाला जगह है, यहाँ पे केसरी बात इन्जॉय कर रहे हैं अभी, डोसा वोसा आता है, देन उसके बाद में खा के आगे निकलेंगे। भाई साहब मतलब डोसा मैं छोटा एक्सपेक्ट कर रहा था, ये क्या है? बड़ा डोसा। चार जनों का खाना ये है। चार जनों का है क्या वो? हाँ और क्या। अच्छा ये अंदर से खाली है क्या? अरे ले आलू तो इतना सा दे दिया। बस बीच में ही है भाई मेन पार्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे इधर पे, अच्छा सा लोकेशन है दावणगिरी में। यहाँ पे बाइक्स वाइक्स देखी हम लोगों ने खड़ी हुई, तो मिला पता लगा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है। एंड अभी फिलहाल के लिए 350 किलोमीटर रह गया, एंड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सही है लौंडे, निकलते हैं फिर रिलायंस के पेट्रोल से, पेट्रोल पड़वाएंगे सस्ते में। क्वालिटी वाला पेट्रोल, क्वालिटी क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है वैसे देखेंगे। अभी पता नहीं है कि सर्विस रोड पे, बाकी तो अपना बाइक पे डिस्कशन चल रहा है सबका कितना प्राइस का है। अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो हुडी उतार दी है मैंने। एंड यहाँ से हम लोगों को धारवाड़ तक जाना, धारवाड़ से देन हम लोग लेफ्ट ले लेंगे। सो अभी फ्यूल अप करा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं फुल टैंक कितने का होता है। भैया यहाँ पे प्राइस कम रहता है बाकी से, सेम ही रहता ना, क्वालिटी अच्छा रहता है बस। देखो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हम लोगों को एस्कॉर्ट करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे हम लोग जा रहे हैं। सुनेंगे ना पकड़ के ऐसा मारेंगे। तो अभी पुल्लक और रोहित पहुँच चुके हैं, चलो चलो रेडी 1 2 3। तो अभी यहाँ से ना सिंगल रोड शुरू होता है, मतलब सिंगल लेन आना जाना यहाँ पे दोनों पे। अभी हम लोग पहुँचे हैं हुबली, और हुबली से हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाके धारवाड़ पड़ेगा अराउंड 30 किलोमीटर्स में, देन उसके बाद में वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, उधर से रास्ता हो जाएगा पूरा फन वाला शुरू, तब आएगा मज़ा। स्ट्रेट वाला अभी हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है, अभी यहाँ से मुड़ रहे हैं हम लोग लेफ्ट फ्रॉम धारवाड़, और ये वाला रास्ता अभी यहाँ पर सिंगल लेन शुरू हो जाता है। अभी देखना पड़ेगा कौन सा, आई गेस यही है रास्ता मेरे ख्याल से। बस इस रास्ते का यही ड्रॉबैक है, एक आती रेलवे क्रॉसिंग पड़ गई, बट ऊपर से बन रहा है अभी। यहाँ पे मस्त फॉरेस्ट एरिया में रुके हैं हम लोग, अरे मज़ा आ रहा है भाई, अच्छा मौसम हो रखा है राइड करने के लिए। और ये देखो एकदम डेंस फॉरेस्ट है, एंड हियर इज अवर बाइसन। इतना लोगो अच्छा लग रहा है ना मेरे को अपनी बाइक में, मज़ा प्रिंट करा के मज़ा आ गया। मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से पूरा घाट सेक्शन का, एक नंबर मज़ेदार। रोड्स अच्छी है ना तो मज़ा आता है, रोड्स अगर अच्छी नहीं होती तो मे भी उतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना ड्राइव भी आप लोगों को ईजी हो जाती है, रोडें अच्छे से मेंटेन है। तो अभी हम लोग फाइनली गोवा एंटर कर चुके हैं, ये वाला बोर्ड है यहाँ पे, वेलकम टू गोवा, पूरी वाइब्स हैं भाई गोवा वाली यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया भी पड़ जाता है, और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू गोवा। थोड़ा सा जहाँ पे कर्नाटका शुरू होता है उस टाइम पे रोड वैसा नहीं रहता, बट ये गोवा का जैसे ही रोड स्टार्ट हो जाता ना एक नंबर है भाई, रोड पे ना अलग कॉन्फिडेंस आता है। हाँ इसमें ग्रिप अच्छा मिलता है, कॉन्क्रीट वाली रोड पे ना वो हो जाता है थोड़ा सा। हाँ इसमें देख मस्त एकदम, पूरा लेटा भी दोगे ना तब भी मस्त रहेगा।
आ जा। कहाँ पे है? क्या करेगा अभी? अभी तो बहुत है, 323 दिखा रहा है मेरे को। ये क्या बोल रहे? अभी आ जा कहाँ पे, इधर आगे थोड़ा सा रुकते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए। फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे गोवा पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या सीधा। बट एनी वेज अभी फ़िलहाल के लिए अपने पास में लाइम सोडा आ चुका है और क्या क्या है, एक ने स्वीट किया, एक ने सॉल्ट किया, मैंने स्वीट एंड सॉल्ट किया है ना। कॉम्बिनेशन है भाई, नहीं कॉम्बिनेशन है ना, जैसे बाइक का कॉम्बिनेशन अपना चल रहा था वैसे ही वाला कॉम्बिनेशन है। ओहो क्या बात है, सुबह डोसा वैसे हैवी लग रहा था, अभी अभी पता नहीं लग रहा कुछ। तो अभी हम लोगों ने चिकन टिक्का ऑर्डर किया है, लग ऐसा बटर मसाला जैसे रहा है। चिकन टिक्का ग्रेवी, चिकन टिक्का अभी तो ग्रेवी होएगा। बाइक का कोई इज्जत नहीं भाई, कसम से। ऊपर वाला, ऊपर वाले ब्रिज से व्यू अच्छा आता है बट अपने को अलाउ नहीं किया। तो गाइस फाइनली हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है 35 किलोमीटर मतलब 35 मिनट दूर दिखा रहा है होटल। बट ये वाला देखो, ये ऊपर वाला जो ब्रिज है ना, इधर से व्यू बहुत अच्छा आता है बट सिर्फ कार अलाउड है। ये लग रहा है बढ़िया भाई, यहाँ पे वो सब चलता है ना पूरा, वो जो कैसीनो वाली बोट्स, मस्त लगता है, मस्त लगता है। क्या मस्त ब्रिज बना हुआ यार, ऊपर से जाने देते क्या चला जाता इनका। ए उधर वाला साइड का कौन सा ब्रिज है, उधर से कैसे ज्वाइन किया? हाँ वो देख, वो वाला किंग फिशर वाला है एक, वहाँ पे ही खड़ा रहता है। इंडियन लैंड पे कैसीनो लीगल नहीं है तो इन्होंने बोट पे किया, दिमाग लगाया भाई कसम से। अरे उनको भी पता है ना पैसा आएगा भाई। तो अपनी आज की प्रॉपर्टी में हम लोग आ चुके हैं, ये है जिंजर ट्री वगत और बीच, और यहाँ से जो पॉइंट है वो पास में ही रहेगा, हार्डली 1 किलोमीटर है। किधर तक जाना है भैया, किधर तक? कौन सा जूस पे बानू मजानी लाइफ है? हे प्रभु हरे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, क्या हुआ, क्या हुआ, गमछा भी खुल गया, गमछा भी खुल गया। सीन ऐसा है भाइयों, ये है अपनी जिंजर ट्री होटल, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अच्छा है, प्रॉपर्टी बढ़िया लगा मेरे को। और स्पेशली यहाँ पे बाइक अपनी अंदर प्रॉपर्टी के पार्क्ड है तो वो और चीज़ अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेन रोड है इसलिए साइड में आएगी सी, ये इधर पे पार्क नहीं करने देंगे ना, अगर यहाँ पे करने देते तो साइड में लग जाता। हाँ मेन रोड है ना, पतला रोड है। फ्रेश होएंगे, फ्रेश होने के बाद में देखो पुलक के हाल क्या हो रखे हैं। पूल भी है, सबसे पहले पूल में कूदेंगे, 7 बजे तक का टाइम अलाउड है, 4:11 हो रहा है, तो देखेंगे उसके हिसाब से एंजॉय करेंगे। देन उसके बाद में देखो स्पोर्ट्स बाइक में ऐसे टूरर बना रखा है पुलक, क्या कर रहा है भाई, नाइन साफ ही कर रहा है। तो KTM लेने के बाद भी ऐसा Z900 के साथ में ऐसा अन्याय क्यों है ये बता। गिफ्ट में कर देगा 1250 लेकिन कोई कर नहीं रहा है, थोड़ा सस्ते में आ जाती तो कर देते है ना भाई। सस्ते में नहीं आती है, मतलब सीधे 30 लाख आती है। सही बात है, एक 310 से अच्छी बाइक है तेरे पे, उससे लाख गुना बेटर है। ब्यूटीफुल एंड क्लीन प्रॉपर्टी यार, मतलब मस्त देख के मज़ा आ रहा है। शाम में भी, रात मतलब रात में भी मस्त घूमोगे ना तो भी अच्छा लगेगा। और एक्चुअली में थोड़ा सा गर्मी वैसा नहीं है बिल्कुल जो लास्ट ईयर टाइप सा था, बट वो कल दोपहर में पता लगेगा, अभी तो थोड़ा सा इवनिंग हो गया। तो ये अभी हम लोग IBW के इवेंट लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पे पूरा अभी प्रिपरेशन चल रहा है, काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है इस बार। मतलब एक यहाँ पे स्टेज है, इस साइड में एक मेन स्टेज है, देन इस साइड में भी पीछे है कहीं पे एक वो मौत का कुआं जो रहता है वो भी लगा हुआ है। बट अमेजिंग, मस्त एकदम चल वाली वाइब्स हैं यार, मस्त मज़ा आ रहा है। बर्नआउट है, कर रहे हो कुछ? अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली वापस अपने होटल में, अभी टाइम हो गया है 1:30 और अभी हम लोग पार्टी वार्टी करके अपना वापस आ चुके हैं।
तो कल जो है अपना मेन इवेंट शुरू होने वाला है IBW का, होपफुली बहुत मजा आएगा। अभी आराम से इंजॉय करते हैं, सोते हैं आराम से, क्योंकि आज का राइड भी लंबा था। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।